हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम आपको सिखाएंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन, छोटे बच्चों को कितने इजी तरीके से हम याद करा सकते हैं, और हम उन्हें पपेट्स बनाकर सिखाएंगे। तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिएगा, वाइट शीट, पंचिंग मशीन, आइसक्रीम स्टिक्स। कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ऐसी आती हैं, यू कैन से दीज स्पून्स, नॉर्मल स्पून्स, या फिर ऐसी। ये दो तरह की आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। सीज़र, उसके बाद थोड़ी सी येलो वूल, ऊन जो होती है येलो कलर की चाहिए हमें, ग्लू, पेंट ब्रश एंड पेंट, एंड सम कॉटन, एंड लास्ट मार्कर। अब चलिए हम शुरू करते हैं, हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वाइट शीट लेंगे और ये पंचिंग मशीन लेंगे और उससे टू टाइम्स पंच करेंगे, जिससे हमें फोर स्मॉल सर्कल्स मिल जाएंगे। ये हमें फोर चाहिए क्योंकि हम टू पपेट्स बना रहे हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हमें मिले हैं, इनके ऊपर ब्लैक मार्कर से एक डॉट बनाएंगे जो आईज बनेंगी। आईज आप विगली आईज भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आईज तैयार हो गई हैं। अब हम इनको साइड में रख देंगे और हम लेंगे पेंट ब्रश और टू स्पून्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऑरेंज कलर लेंगे और एक स्टिक पर, आइसक्रीम स्टिक पर और स्पून पर ऐसे इसको पूरा कवर कर देंगे ऑरेंज कलर से। पूरा कवर करना है जिससे कि इसका जो डार्कन्ड एरिया है या फिर जो वुडी टेक्सचर है वो ना दिखे। थोड़ा थोड़ा साइडों से भी हम इसको कलर कर देंगे जो साइड से भी ना चमके। और जो हमारा दूसरी स्टिक है उसको हम येलो कलर से पेंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्टिक्स ड्राई हो चुकी हैं। अब हमने ये येलो पेपर और ऑरेंज पेपर में से छोटे छोटे ईयर्स कट आउट किए हैं, जो हम लायन और लायनेस बना रहे हैं उनके लिए। और ये जो हमारी आईज हैं वो भी हम अब पेस्ट करेंगे। पहले हम आईज पेस्ट करेंगे। हमने ये आईज पेस्ट कर लिया। अब हम इनको टर्न करेंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के ईयर्स पेस्ट करेंगे, येलो पे येलो कलर्ड के और ऑरेंज पे ऑरेंज कलर के। हमें पेस्ट ऐसे करना है जो ये दूसरी साइड अच्छे से दिखें। देखिए फ्रेंड्स, हमने आईज भी पेस्ट कर लिए हैं और ईयर्स भी पेस्ट कर लिए हैं दोनों अपनी स्पून्स पर। अब हम इनको थोड़ा साइड रखेंगे और हम लेंगे थोड़ी सी कॉटन। थोड़ी सी जब हम कॉटन लेंगे तो हम इसको, इतनी कॉटन लेनी है हमें, थोड़ी सी बिल्कुल, और इसको थोड़ा सा रोल आउट करना है अपने हैंड्स पर, जिससे कि ये एक रोल बन जाएगा, सर्किल सा बन जाएगा, जैसे बॉल होती है, ये कॉटन बॉल बन जाएगी जो हमारे इन पपेट्स के लिए यहाँ बनेंगी। हमें चार ऐसी रोल्स बनाने हैं, दो येलो के लिए और दो ऑरेंज के लिए, और दो छोटे छोटे बनाने हैं जिनको हम पिंक कलर में डिप कर देंगे। अगर आपके पास पोस्टर कलर्स नहीं है तो हम एक्रेलिक कलर्स का पिंक कलर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और उसके बाद इन कॉटन को, ये जो कॉटन रोल्स हैं उनको, उसको उस पानी में डिप कर देंगे जो पिंक कलर का पानी हमने बनाया है। तो ये कॉटन जो है वो पानी सोख लेगी और पिंक कलर की हो जाएगी। तो अब हम इनको पेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ी बॉल्स जो हमने रोल आउट किए हैं वो चिपकाएंगे। तो पहले हम दो फेविकॉल के डॉट रखेंगे
और उसके बाद हमारा वन कॉटन रोल लेंगे, थोड़ा सा उसको नीचे से ऐसे प्रेस कर देंगे जिससे कि वो फेविकॉल पर चिपक जाए, और इसको थोड़ा सा दबा देंगे। और सिमिलरली हम दूसरा कॉटन बॉल लेंगे और उसको ऐसे लगा देंगे। ये हमारे दो हो गए। अब हम ये जो हमने छोटे छोटे दो बनाए थे उनके लिए भी थोड़ा सा उन दोनों के बीच में ऊपर की तरफ दोनों के बीच में छोटा सा डॉट रखेंगे फेविकॉल का, और इसको थोड़ा सा सेट करके यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली वर्क हम इसमें करेंगे ऑरेंज पे। देखिए फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं लायन और लायनेस। लायनेस तो हमारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन हमारा लायन थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, तो हम इसके हेयर्स बनाएंगे। वो हम बनाएंगे नॉर्मल जो हमने येलो वूल ली थी उससे। ये जो हेयर्स हैं, आप पॉम पॉम बॉल्स बनाने के जो स्टेंसिल आते हैं उनसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमारी फिंगर्स यूज़ कर रहे हैं। पहले हमें फिंगर्स पर ये बहुत मिनिमम 10 टाइम्स इसको रोल आउट करना है, और उसके बाद इसको यहाँ से कट कर देना है। थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे जिससे कि हम इसमें नोट लगा सकें। ये हो गया। अब हम इसमें यहाँ से नोट लगाएंगे जिससे कि ये खुले ना। ये हमने यहाँ पर नोट लगा दिए। अब हम वूल लेंगे सेम कलर, और उसको अपने फिंगर्स के बीच में से ऐसे पास आउट करेंगे यहाँ से, और ए हम इतनी इसको कट कर लेंगे और इसमें फिर से एक बार नोट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 times नोट लगा ली है, और अब हम इसको अपने फिंगर्स में से ऐसे निकाल लेंगे और ऐसे बीच में से बिल्कुल मिडिल में से इसको कट आउट करेंगे कुछ ऐसे। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम ऐसे ही सेम चीज़ें सेम स्टेप्स से ऐसे 2 parts बनाएंगे जो ऐसे दिखेंगे, और हम उन्हें सेम ऐसे प्लस की शेप में ऐसे पेस्ट कर देंगे जिससे कि ये हमारा भरा भरा लगेगा। अगर आप इन्हें पॉम पॉम स्ट्रक्चर्स स्टेंसिल से बनाते हैं तो ये हमें 2 times नहीं बनाना पड़ेगा, केवल 1 time बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनसे 1 time में ही बहुत अच्छे से ये बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों को अच्छे से एकदम पेस्ट कर लिया है ग्लू गन की हेल्प से। अब हमें ये जो हमारा लायन है उसके बैक साइड में बहुत सारा ग्लू लगाना है, जिसके ऊपर हम ये जो इसके हेयर्स बनाए हमने वूल की हेल्प से वो पेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पेस्ट कर दिया है, और हम ना ये जो वूल के जो हमने इसके हेयर्स बनाए उसको थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर देंगे सारे में, जिससे कि इसके बिल्कुल हेयर्स रियल लगेंगे। आप ऐसे ही पपेट्स अलग अलग बना के, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, ऐसे ही पपेट्स बनाकर आप बच्चों को सिखा सकते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन। और अगर आप एनिमल्स ही बनाते हैं तो आप उनको ये भी बता सकते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, जैसे कि लायन और लायनेस रहते हैं डेन में, और उनकी साउंड क्या है, वो क्या साउंड करते हैं, रोर, ऐसे आप बच्चों को ईजिली सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनको नॉर्मली बनाना चाहते हैं तो आप इनमें ना बैक साइड में मैग्नेट लगा सकते हैं, 1 यहाँ और 1 यहाँ, सिमिलरली दोनों में मैग्नेट लगा सकते हैं, और आप इनको अपनी सेफ पर, मींस जो मेटल की अलमीरा है उस पर, या फिर अपने रेफ्रिजरेटर पर लगा सकते हैं, जिससे कि थोड़ा डेकोरेटिव लगेगा और सुंदर भी लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की वीडियो स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी करें, और प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस
जल्द ही मिल जाएं। थैंक यू।